नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हाइड्रोलिक ब्रेक्स में एयर ब्लीडिंग क्या होती है तथा इसे किस प्रकार से किया जाता है यह समझेंगे, और साथ ही हम ब्रेक फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में जो लिक्विड या जो ऑयल यूज किया जाता है उसमें क्या क्या गुण या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, इस चित्र में मैंने हाइड्रोलिक ब्रेक में ब्लीडिंग यानी एयर को बाहर निकालने की आवश्यकता क्यों होती है उसको समझाने की कोशिश की है। मान लेते हैं कि किसी भी व्हीकल में जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है उसमें एयर लीकेज हुआ और एयर उसके अंदर आ गई, यानी ऑयल जो इसमें जो ब्रेक फ्लूइड भरा हुआ है उसमें हवा के बुलबुले हैं या एयर बबल्स हैं, जैसा कि मैंने यहां पर चित्र में दिखाया है। ये संभावना किसी भी प्रकार से हो सकती है, जो मैं आपको जब हाइड्रोलिक ब्रेक को डिटेल में डिस्कस करेंगे उस समय समझाऊंगा। तो देखिए, ये मास्टर सिलेंडर मैंने दिखाया है जिसमें ये एक एयर बबल है। ये एयर बबल पूरे हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कहीं भी हो सकता है, लाइन में भी हो सकता है, व्हील सिलेंडर में भी हो सकता है। यहां पर मैंने समझाने के लिए इसे मास्टर सिलेंडर में दिखाया है। तो देखिए, ये एक एयर बबल है, इसके चारों तरफ ये ऑयल है या ब्रेक फ्लूइड है। जब ड्राइवर ब्रेक पेडल को दबाएगा तो ब्रेक पेडल आगे मूव करेगा, यानी इस ब्रेक फ्लूइड को कंप्रेस करेगा, लेकिन जो भी फोर्स आगे ट्रांसफर होना चाहिए था वो सारा का सारा फोर्स इस एयर बबल को कंप्रेस करने में यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर की कंप्रेसिबिलिटी हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, यानी ये बहुत आसानी से कंप्रेसिबल होती है एयर। इसलिए जो भी हमने यहां इफर्ट लगाया या जो पिस्टन का मूवमेंट हुआ जिससे इस हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड को कंप्रेस होना चाहिए था, रादर अपन ये कहेंगे कंप्रेस नहीं होता है, ये आगे मूव होता है, और इस पर जो भी फोर्स लगता है वो आगे ट्रांसफर होता है और व्हील सिलेंडर तक जाता है। अब वो फोर्स आगे ट्रांसफर न होकर केवल और केवल इस एयर बबल को कंप्रेस करने में, यानी इसका वॉल्यूम कम करने में यूज हो जाएगा। और अगर यदि हम एक्सट्रीम केस समझें तो ब्रेक फेल हो जाएंगे, यानी आगे ब्रेक जो व्हील सिलेंडर है उसमें जो ब्रेक शूज का मूवमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा। तो यहां से हमें बिल्कुल क्लियर है कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है उसमें जहां जहां भी ऑयल है या ब्रेक फ्लूइड है उसमें किसी भी अवस्था में किसी भी हालत में एयर अंदर नहीं रहनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है, अदरवाइज या तो हमें ब्रेक इफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, एक्सट्रीम कंडीशन में ब्रेक फेल भी हो सकते हैं। क्लियर है चीज? तो इसलिए हमें जरूरत होती है कि जो भी एयर इसके अंदर रह जाती है उसे बाहर निकाला जाए। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एयर ब्लीडिंग। ओके, यानी एयर ब्लीडिंग किसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में एयर ब्लीडिंग का मतलब है जो अंदर एयर ट्रैप्ड है, यानी जो हवा अंदर ट्रैक यानी फंसी हुई है, अंदर इसमें रह गई, किसमें? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में अंदर जो हवा रह गई है उसे किसी न किसी प्रकार से बाहर निकालना, इसे हम बोलते हैं एयर ब्लीडिंग। तो अब एयर ब्लीडिंग कब की जानी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली स्थिति तो ये होती है कि एयर ब्लीडिंग कब की जानी चाहिए? जब फर्स्ट टाइम फिलिंग होती है। किसकी? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की, यानी जब फैक्ट्री में व्हीकल मैन्युफैक्चरर हो रहा है और उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम लगाया जा रहा है, तो उस समय पर जब फैक्ट्री से व्हीकल बाहर निकलेगा तो सबसे पहले उसकी फर्स्ट टाइम फिलिंग होगी। फर्स्ट टाइम फिलिंग होगी तो निश्चित रूप से अभी जब उसके अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड नहीं भरा गया है तो उसके अंदर हवा है, और उस हवा को बाहर निकालना जरूरी है। हम ये एश्योर नहीं हो सकते कि जो मास्टर सिलेंडर के ऊपर जो रिजर्वायर होता है यदि वो ऑयल से पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कह सकते हम कि ब्रेक सिस्टम में हवा के बुलबुले नहीं रहे हैं, रह सकते हैं। तो हमें ये टेस्ट भी करना होगा कि क्या इसके अंदर हवा के बुलबुले अब बिल्कुल नहीं है। तो ये सभी जो पूरा प्रोसेस है ये मिलकर कहलाता है हाइड्रोलिक ब्रेक ब्लीडिंग। तो पहली स्थिति तो कब रही? जब फर्स्ट टाइम फिलिंग है, यानी व्हीकल नया बना है और अब उसके ब्रेक सिस्टम में ब्रेक फ्लूइड भरा जाना है। दूसरा, कई बार क्या होता है जब एक्सीडेंट होता है तो ब्रेक सिस्टम लीक हो जाता है,
ठीक है, या ब्रेक सिस्टम खराब हो गया है और हमने उसको रिपेयर किया है, फिर से उसमें ब्रेक फ्लूड भरा जाना है, तो उस अवस्था में भी हमें एयर ब्लीडिंग यानी हाइड्रोलिक ब्रेक ब्लीडिंग करनी होगी। और कई बार हम जब व्हीकल चलाते तो हमें इस तरह की फीलिंग आती है कि ये जो ब्रेक पेडल है ये स्पॉन्जी हो गया। स्पॉन्जी का मतलब बहुत सॉफ्ट चलता है, सॉफ्ट का मतलब हमें किसी तरह ऐसा महसूस होता है कोई फोर्स ही नहीं लगाना पड़ रहा है, यानी उस अवस्था में ये पक्का है कि इसके अंदर कोई एयर बबल है, जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं वो पहले इस एयर बबल को कंप्रेस करने के काम होता है, जब ये फुल्ली कंप्रेस हो जाता है उसके बाद ही लगाया गया फोर्स आगे ट्रांसफर होता है, तो इसे हम बोलते हैं स्पॉन्जीनेस ऑफ द पेडल। तो यदि हमें पेडल की स्पॉन्जीनेस महसूस हो रही है, यानी हम ब्रेक लगा रहे हैं सब कुछ ठीक है, यानी शूज भी ठीक है, स्प्रिंग्स वगैरह यानी मैकेनिकल सिस्टम बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी ब्रेक नहीं लग रहे हैं बहुत जल्दी, जितना रैपिड रेस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब पेडल कैसा हो गया, स्पॉन्जी। तो ये काफी कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि अंदर एयर ट्रैप है, तो इस एयर को निकालना होता है। तो इन सभी अवस्थाओं में हमें एयर ब्लीडिंग या हाइड्रोलिक ब्रेक ब्लीडिंग करनी होती है। अब हम हाइड्रोलिक ब्रेक ब्लीडिंग का प्रोसीजर समझते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर को मैं चित्र से भी समझाऊंगा, और यहां पर समझने के बाद इसके तुरंत बाद हम इसको एनिमेशन और वीडियो के द्वारा भी समझेंगे। तो देखिए, पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही यहां पर, जब भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स की ब्लीडिंग की जाती है तो हमें दो लोगों की आवश्यकता होती है, यानी दो टेक्नीशियंस हमें चाहिए। एक टेक्नीशियन तो गाड़ी के केबिन में बैठता है, व्हीकल के केबिन में बैठता है और ब्रेक पेडल को पुश करता है जब भी आवश्यकता होती है, कॉल दूसरा व्यक्ति कॉल करता है तब वो ब्रेक पेडल को पुश करता है, और जो पहला व्यक्ति है एक व्यक्ति नीचे व्हील सिलेंडर के पास बैठता है, और मैं जैसा भी आपको आगे समझाऊंगा उस प्रकार से इस ब्लीडिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करता है या संपन्न करता है। तो अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम पेडल को प्रेस करते हैं, ठीक है, अभी मैं आगे प्रोसीजर समझाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ब्लीडिंग कैसे की जाती है। जो व्हील सिलेंडर होता है उसमें बैक प्लेट वाली साइड में यानी अंदर की साइड में एक बहुत छोटा सा वाल्व लगा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग वाल्व, जैसा मैंने यहां पर चित्र में दर्शाया है। देखिए, ये एयर ब्लीडिंग का पूरा सिस्टम मैंने यहां पर बताया है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि ये मास्टर सिलेंडर है, एक सिंबॉलिक है, मास्टर सिलेंडर है, ये पेडल है, और यहां से ब्रेक लाइन है जिसमें ब्रेक फ्लूड आगे जाता है, और ये बैक प्लेट है, यानी इस तरह से ये एक बैक प्लेट है जिसके बाहर की तरफ ये ब्रेक शूज है, ये व्हील सिलेंडर है, और इस ब्रेक शूज के चारों तरफ क्या है यहां पर, ब्रेक ड्रम, इसके चारों तरफ क्या है यहां पर, ब्रेक ड्रम है। जब हम पेडल को दबाते हैं तो मास्टर सिलेंडर में प्रेशर बढ़ता है, ये प्रेशर आगे ट्रांसमिट होता है और व्हील सिलेंडर में जाता है। व्हील सिलेंडर में इसके अंदर दो पिस्टन होते हैं, एक यहां पर और एक यहां पर, यहां से ऑयल में प्रेशर बढ़ेगा, ये दोनों के दोनों बाहर की तरफ पुश होंगे, दो पिस्टन व्हील सिलेंडर के पिस्टन बाहर की तरफ पुश होंगे, जो अल्टीमेटली अंततः शूज को बाहर की तरफ रिट्रैक्ट कर एक्सपेंड करेंगे, ये शूज बाहर इधर जाएगा, ये शूज इधर जाएगा। देखिए, ये जो चित्र आपको दिखाया है बेसिकली आप यूं मान सकते हैं इसको हमने साइड से दिखाया है, यानी व्हीकल को ये मान लेते हैं पीछे से देखें तो, ठीक है। तो इसमें देखिए ये शूज एक्सपेंड होंगे, यहां पर ब्रेक ड्रम है जिसे ये टच होंगे तो ब्रेक लगेगा, क्लियर है चीज। तो यहां पर एक व्यक्ति और ये जो बैक प्लेट होती है जिस पर कि ये ब्रेकिंग सिस्टम पूरा कसा हुआ होता है, ये स्टेशनरी होता है, रुका हुआ होता है, ये कुछ इनमें से कुछ भी मूव नहीं करता है, इसके ब्रेक शूज के चारों तरफ यो ब्रेक ड्रम घूमता है, जिसको मैं पूरा डिस्कस करूंगा जब अपन मेरे ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक के लेक्चर में। अब यहां पर देखिए, ये जो बैक प्लेट है इसमें यहां पर एक वाल्व लगा हुआ होता है, ये जो वाल्व होता है इसको बोलते हैं एयर ब्लीडिंग वाल्व या एयर ब्लीडिंग निप्पल। ये वाल्व होता है, इससे आगे एक पाइप का टुकड़ा होता है जिसे हम निप्पल बोल सकते हैं, क्लियर है चीज। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें
जो मास्टर सिलेंडर है इसका जो रिजर्वायर होता है ऊपर, जिसमें एक्स्ट्रा ऑयल भरा हुआ होता है, हम इसे फुल भर देते हैं, पूरा टॉप अप कर देते हैं। किसे? जो मास्टर सिलेंडर के ऊपर रिजर्वायर है उसे, हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूड से। क्लियर है चीज? फिर उसके बाद में ये जो स्पेशल वाल होता है यहां पर, यानी एक पीछे बहुत छोटा सा एक नट होता है जिसे यदि खोला जाए, ढीला किया जाए, लूज किया जाए थोड़ा सा, तो इसके अंदर एक स्पेशल वाल है वो थोड़ा सा खुलता है और इसमें से यानी व्हील सिलेंडर में से जो हाइड्रोलिक ऑयल है यानी जो ब्रेक फ्लूड है वो इसमें से बाहर आ सकता है। और ये जो निप्पल है यानी एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा है, इसके ऊपर हम एक फ्लेक्सिबल होज पाइप या फ्लेक्सिबल पाइप या प्लास्टिक का एक पाइप इसके ऊपर चढ़ा देते हैं और इसका दूसरा सिरा जो होता है एक जार में या बॉटल में, जो ट्रांसपेरेंट होती है, प्लास्टिक की हो सकती है या कांच की हो सकती है, ट्रांसपेरेंट होती है जिसमें पहले से ही ब्रेक फ्लूड भरा हुआ है, पूरी नहीं भरी हुई है, आधी से ज्यादा ये भरी हुई होती है। तो ये जो हमने एक पाइप लगाया यानी ब्लीडिंग निप्पल को पर पाइप एक लगाया और उसका दूसरा मुक्त सिरा यानी फ्री एंड हमने इस ऑयल में ब्रेक फ्लूड में डुबो दिया है। क्लियर है चीज? तो ये तो प्रारंभिक व्यवस्था है एयर ब्लीडिंग करने की। यहां तक क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या है कि इसमें पेडल दबेगा, ब्रेक पेडल दबेगा और ये स्पेशल जो है ब्लीडिंग वाल्व खुलेगा। ये दो ही चीजें हमें पूरे सिस्टम में ऑपरेट करनी है। किस लिए? हाइड्रोलिक ब्रेक ब्लीडिंग के लिए। यहां तक क्लियर है चीज? अब देखिए इसमें करते क्या है। हम फर्स्ट प्रेस द पेडल, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया है, फर्स्ट प्रेस द पेडल यानी सबसे पहले पेडल को प्रेस किया जाता है, पेडल का मतलब ब्रेक पेडल को, देन ओपन द ब्लीडिंग वाल्व फिटेड इन व्हील सिलेंडर थ्रू बैक प्लेट। ठीक है, यानी सबसे पहले हम जब ब्लीडिंग करते हैं तो पेडल को दबाते हैं, ब्रेक पेडल को दबाते हैं। क्लियर है चीज? और इस पेडल को दबाते हैं तभी दबाएंगे जब ये क्लोज है। ठीक है, यानी जो ये ब्लीडिंग वाल जो बैक प्लेट पर लगा हुआ ये बंद रहेगा तभी हम इसे दबाएंगे। ये हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो पहला स्टेप तो क्या रहा, एक व्यक्ति पेडल के पास बैठेगा यानी ड्राइवर सीट पर बैठेगा और एक व्यक्ति नीचे व्हील सिलेंडर के पास बैठेगा और ये व्यवस्थाएं करेगा। अब ये व्यक्ति इसको स्पैनर से पकड़ेगा, खोलेगा नहीं, स्पैनर यानी पाने से इसको पकड़ के रखेगा, स्पेशल वाल्व को, एक नट होता है, और जब ये कसा हुआ यानी इसको ढीला नहीं किया है उस समय जो ड्राइवर सीट पर व्यक्ति बैठा है उसे कॉल देगा कि ब्रेक पेडल को दबाओ, तब ये ब्रेक पेडल को दबाएगा, इसके अंदर प्रेशर बनेगा, जब इसमें प्रेशर यहां तक ट्रांसमिट हो जाएगा और ये कहेगा ओके पुश्ड यानी मैंने दबा दिया है, तब ये इस वाल्व को धीरे से आधी चूड़ी या एक चूड़ी खोलेंगे जिसमें से जिस कारण से इसके अंदर का हाई प्रेशर हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूड बाहर आएगा इस तरह से। तो अगर इसके अंदर हवा ट्रैप्ड है, इसके अंदर हवा फंसी हुई है, हवा के बुलबुले हैं, तो वो भी साथ में आएंगे और यहां से हमें बुलबुले निकलते हुए दिखेंगे। क्लियर है चीज? तो कुछ सेकंड्स के लिए इस तरह की प्रक्रिया यानी ये दबा ही रहेगा और ऑयल इसमें से बाहर आएगा। क्लियर है चीज? फिर ये अपने अनुभव के आधार पर जो व्यक्ति व्हील सिलेंडर के पास बैठा हुआ है वो इस वाल्व को वापस से कसेगा यानी इसको बंद करेगा। ध्यान रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब ये खुला हुआ है उस दौरान इस पेडल पर से पैर नहीं हटाना, यानी इसको दबी हुई अवस्था में ही रखना है। अर्थात जब ये पहले इसको दबाया फिर इसको खोला, अब इसको पहले बंद करेंगे उसके बाद ही ब्रेक पेडल पर से पैर हटाएंगे। तो अब ये दूसरा व्यक्ति जो व्हील सिलेंडर पर है वो इसको कसने के बाद कॉल देगा कि ब्रेक पेडल पर से पैर हटाइए, तो ये पैर हटाएंगे। यदि मान लेते हैं कि ये खुला रहता है और ये ब्रेक पेडल पे से पैर हटा देते हैं यानी इसमें पिस्टन पीछे जाएगा, जब इसमें पिस्टन पीछे जाएगा तो ये पिस्टन भी पीछे जाएंगे यानी ऑयल इसमें से वापस उल्टा आएगा, अर्थात यहां पर निर्वात या वैक्यूम पैदा होने की संभावना है चूंकि ये वाल्व खुला हुआ है। कौन सा वाल्व? ब्लीडिंग वाल्व खुला हुआ है, तो हवा की पूरी संभावना है कि हवा इसमें से वापस अंदर चली जाएगी और हमारी जो प्रक्रिया हमने की थी वो बिल्कुल फेल हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी। इसलिए
पहले हम इस वाल्व को बंद करते हैं, फिर पैडल पर, इस पैडल पर से पैर हटाते हैं। यहां तक क्लियर है? अब एक बार यह प्रक्रिया हो गई, फिर दोबारा से इसी प्रक्रिया को रिपीट किया जाता है, ठीक है। और यह प्रक्रिया तब तक रिपीट की जाती है जब तक कि सारी हवा इसमें से बाहर नहीं आ जाती, अर्थात ब्रेक पैडल को दबाया, उसके पश्चात इसको खोला और किसी भी प्रकार के हवा के बुलबुले बाहर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इस लाइन में कहीं भी अब हवा के बुलबुले नहीं है। फिर हम इसको वापस से बंद कर देते हैं, यानी इसको बिल्कुल एकदम कस देते हैं। उसके बाद में ब्रेक पैडल पर से पैर हटाया जाता है। चूंकि काफी ब्रेक फ्लूड इसमें निकल चुका है, तो अब हम वापस से इस रिजर्वायर, ये काफी खाली हो चुका होगा, हम इसको फिर से टॉप अप करते हैं, यानी फिर से पूरा भर देते हैं। इस प्रकार से हम जितने भी वाहन में जितने भी पहिए जिन पर की व्हील सिलेंडर लगा हुआ है, सभी पहियों पर यह प्रक्रिया क्रम से एक के बाद एक के बाद एक अपनाते हैं और सभी लाइनों में से हवा के बुलबुलों को बाहर निकाल देते हैं। और अंत में हम इस रिजर्वायर को, जो इसमें मैन्युफैक्चरर इस रिजर्वायर पर एक निशान लगाते हैं कि मिनिमम लेवल ऑयल का इसमें ये रहना चाहिए, ब्रेक फ्लूड का ये रहना चाहिए, तो हम उस लेवल तक वापस से इसको टॉप अप करते हैं, तभी हम इस प्रक्रिया को पूरा मानते हैं। यहां तक क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एयर ब्लीडिंग का, जिसे संपन्न किया जाता है। देखिए, मैंने आपको यहां लिख भी दिया है कि फर्स्ट प्रेस द पेडल, सबसे पहले पेडल प्रेस करते हैं, देन ओपन द ब्लीडिंग वाल, यानी ब्लीडिंग वाल तभी खोलेंगे जब पहले पेडल को प्रेस किया है, ठीक है। क्लोज द ब्लीडिंग वाल फर्स्ट, पहले ब्लीडिंग वाल को पहले हम बंद करेंगे, उसके बाद ही पेडल को रिलीज करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां पर लिखी है, नेवर रिलीज द पेडल व्हाइल द ब्लीडिंग वाल इज ओपन। यदि ये ब्लीडिंग वाल खुला हुआ है, यदि ये ब्लीडिंग वाल खुला हुआ है, तो कभी भी इस पेडल को रिलीज नहीं करें, यानी इस पर से पैर ना हटाएं, वरना यहां पर निर्वात पैदा हो जाएगा और वापस हवा में हवा अंदर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम एयर की ब्लीडिंग करते हैं, यानी एयर को बाहर निकालते हैं पूरे ब्रेक सिस्टम में से, ठीक है। तो मैं समझता हूं आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी पूरी प्रक्रिया को प्रैक्टिकल के रूप में देखेंगे कि यदि असली वाहन में, यानी वाहन में फिजिकली इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं एक वीडियो। सीट फर्स्ट लेट्स सी द अपैरेटस रिक्वायर्ड। द ब्रेक ब्लीडिंग इज डन थ्रू ए ब्लीडिंग वाल्व। सो वेयर इज द ब्लीडिंग वाल्व? सो दैट इज द ब्लीडिंग वाल्व व्हिच यू आर लुकिंग एट राइट नाउ ऑफ देयर, एंड देयर इज अ ब्लीडिंग निपल ऑनटू इट। वी हैव जस्ट मेड इट बिगर सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई इट। एंड a pipe is connected to the nipple and dipped in a jar with the brake fluid like this. So this is the apparatus required for the brake bleeding. Now brake bleeding procedure. Initially top up the master cylinder, which is in green, with brake fluid. So sufficient amount of brake fluid should be available inside the brake master cylinder. Brake is applied by keeping the bleed valve closed. So this is the bleed valve. It is in closed condition. Normally it will be in closed condition. So keep it in the closed condition, and two people are required for the brake bleeding process. One inside the cabin, the driver's cabin, to apply the brake pedal. The other person down the vehicle to open up and close this bleed valve. So now let's see. The person inside the cabin is pressing the brake pedal. So you can see the brake pedal getting pressed, and the pressure inside the master cylinder increases, and the pressured oil moves into the wheel cylinder. You can see, so the pressure increases in the wheel cylinder there. So right now what we do is that now open up the bleed valve. So the person down the vehicle open up the bleed valve. So the bleed valve is getting opened there. You can see it's getting opened, and the air escapes out with little amount of brake oil. So the air is escaping out from there, right? You can see that it's happening. And the brake oil flows towards the jar like this. Now close the bleed valve and release the brake pedal. So first you have to close the brake valve. That's the first thing to be done. So I'm closing the brake valve. As the brake valve is closed, the person intimates the person inside the cabin to release the brake pedal. Then he releases. What we're going to do, we're going to use this piece of
hardware right here, which is called a bleeder. We're going to open this up. My partner in the car is going to press the brake pedal, and what that's going to do is going to drive the fluid out. So we're going to open it and close it several times, and that's going to get all the air out of the system. We're going to use this handy dandy thing right here, basically a bottle with a cable and a tube to collect all the brake fluid. You'll notice I've got black nitrile gloves on, mainly because brake fluid is some really nasty stuff. It's pretty cancerous, so you don't want to go sipping on it. Bleeding brakes is definitely a two-person job. I've got my partner, Larry, in the car. Howdy. And he's going to be working the brake pedal. So part of the process here is to have really good communication with your partner. He's going to press the brake pedal. I'm going to operate the valve. So we need to talk. When I open the valve, I'm going to tell Larry open. He's going to press the brake down almost to the floor and say down. Then I'm going to close the valve and say closed. Then he's going to release the brake and say up. Back and forth until we don't see any more air bubbles coming out. Then we know we've played the brakes effectively. All right, so we're going to use a box end wrench here. You want to make sure to do that. There is nothing worse than a stripped bleeder in this job. So we're going to get going here. We should see some bubbles, and then we should see some clean fluid. You want to go until you see nice clean fluid, no bubbles in the flow. It's closed right now. Larry, are you ready to go? Yep. All right, so I am open. Down. Closed. Up. Open. Down. Closed, and we're getting nice clean flow already, so we should be okay. You're going to want to do this starting with the brake the farthest away from the master cylinder. That's usually the passenger side rear, and work your way around the car two or three times just to make sure that all the air is nice and cleared out. So as you're bleeding the brakes, you're going to want to keep very careful attention on the master cylinder here. If the fluid level drops below the pickup area, you're going to suck air into the system and have to start all over again. So keep a fresh bottle of brake fluid on hand. Don't keep an open bottle any more than 3 weeks, otherwise it starts to go bad. You'll also want to have a funnel available so that anytime you need to add more fluid, which you will, you just drop it right in. Brake fluid can be added to the reservoir to maintain a maximum level. We must also consider that this vehicle has an anti-lock brake system. So this is going to require us to maintain a on position with the ignition key when we're going to bleed the brake system. So far we have flushed the brakes. And what we want to first do is to use our line wrench to unlock the bleeder valve. Then we're going to use our conventional combination wrench for releasing, unlocking, and locking the valve to bleed the wheel cylinder. So with your assistance behind the steering wheel, we will go to step one, and step one is to release the bleeder valve. Step two is to have your assistant press the brake pedal and hold that brake pedal to the floor. Then we will close our bleeder valve. And you will have your assistance release the brake pedal. Now we will open the bleeder again, and you will have your assistance press the brake pedal. And there you can see we have fluid flowing out of the valve, so we will now close the valve, and you will tell your assistance release the brake pedal. Now that we have established fluid coming to the bleeder valve, this is a sign that the wheel cylinder is partially filled with brake fluid, but we still have to continue to bleed this wheel cylinder to remove all the air bubble inside the hydraulic system. Now that we're finished with the right rear wheel, we will move to the left rear wheel and continue the same process. Then we will move up front to the front right wheel, then we will move to the left front wheel.
So every time you bleed a wheel cylinder or caliper, you will have to check the brake fluid level inside the master cylinder reservoir. What we want is to maintain a maximum level. So every time the brake fluid should drop inside this reservoir, you want to add new brake fluid. Never reuse the old brake fluid inside the master cylinder. This is the left rear wheel. What we want to do again is open the bleeder valve. Step on the brake pedal. Now we will close our bleeder valve. Release the brake pedal. Now we will open the bleeder valve again. Step on the brake pedal. And that's what we want to establish. So we're going to lock. Hold. And that is the air that we want to get out of the system. Pump the brake again 3 times. Hold. Again, 3 times. Pump the brake 3 times. Ready? Yeah. And that is what we want, a nice steady stream flow. Pump again. Ready? Yeah. Look at this again, nice. You get a nice pipe flow with no air bubbles. Okay, so we still have air in there. Again, pump the brake. Holding. That is what we want. Now let's go check the master cylinder because the fluid could run low. All right, so now we're gonna refill the reservoir. You wanna make sure you don't spill any fluid. Let's continue. तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के पश्चात एयर ब्रीडिंग कैसे की जाती है ये आपको अब एकदम क्लियर हो गया होगा. अब हम समझते हैं कि ब्रेक फ्लूइड क्या होते हैं और या ब्रेक फ्लूइड कितने प्रकार के हो सकते हैं और उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्रेक फ्लूइड क्या होता है. इट इज ए टाइप ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड. देखिए हाइड्रोलिक फ्लूइड का क्या मतलब है. हाइड्रोलिक फ्लूइड हाइड्रो का मतलब वैसे तो होता है पानी, ठीक है, लेकिन यहां पर हम हाइड्रोलिक का मतलब ये लेते हैं कि किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में जहां पर कि हाई प्रेशर पैदा किया जाता है और उससे हम पावर ट्रांसमिट करते हैं या फोर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं या फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कई ऐसी डिवाइसेस जिससे कि फोर्स को कई गुना ज्यादा पैदा किया जाता है, वहां पर जो फ्लूइड यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड्स. तो यहां पर हाइड्रोलिक फ्लूइड ब्रेक फ्लूइड वो होते हैं, वो हाइड्रोलिक फ्लूइड्स जो कि ब्रेक्स में हाइड्रोलिक ब्रेक्स में यूज किए जाते हैं. किस लिए? ब्रेक पेडल से शूज तक फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है. किसके जरिए से? एक पूरा पाइप यानी लाइन, पाइपलाइन, वाल्व, सिलेंडर में पिस्टन, व्हील सिलेंडर और पिस्टन वगैरह पूरा एक सिस्टम होता है जिसको हम कह सकते हैं हाइड्रोलिक सर्किट. यानी इस हाइड्रोलिक सर्किट के थ्रू जो फोर्स पेडल पर लगाया जाता है वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर कई गुना बढ़कर व्हील सिलेंडर में जो पिस्टन है वहां पर पहुंचता है.
ठीक है, और ब्रेक शूज एक्चुएट होते हैं। तो ये कार्य कौन संपादित करता है, कौन पूरा करता है ये काम? हाइड्रोलिक फ्लूइड। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कितने प्रकार के हाइड्रोलिक फ्लूइड्स या ब्रेक फ्लूइड्स हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ब्रेक फ्लूइड बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब जो प्रकृति में पाए जाते हैं। मोटे तौर पर अगर देखें तो जो कैस्टर ऑयल होता है यानी अरंडी का तेल, ठीक है, वो जो है ब्रेक फ्लूइड के रूप में काम में लिया जाता है। सिंथेटिक में जो होते हैं वो सिलिकॉन बेस्ड होते हैं जो कि आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। जो नेचुरल जो ब्रेक फ्लूइड होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो पानी को अवशोषित करते हैं, यानी अपने में पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। ये इनकी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, प्राकृतिक गुण होता है कि यदि समय हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है, जो नेचुरल हाइड्रोलिक फ्लूइड है, उसे यदि हम काफी लंबे समय तक रखें तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। एक मोटे अंदाज से जो है ये साल भर में, पूरे एक साल में अपने वॉल्यूम का लगभग 3% तक पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? हाइग्रोस्कोपिक यानी नेचुरल ब्रेक फ्लूइड्स। और जो सिंथेटिक होते हैं, जो सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, वो कहलाते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है नॉन वाटर एब्जॉर्बिंग, यानी ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। क्लियर है चीज? अब इन्हें भी हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। कौन से को? नेचुरल यानी वाटर एब्जॉर्बिंग यानी हाइग्रोस्कोपिक, दो तरह के हो सकते हैं, ग्लाइकोल ईथर बेस्ड, और इसी की जिनको हम डॉट थ्री भी बोलते हैं। ग्लाइकोल ईथर बेस्ड जो होते हैं वो होते हैं डॉट थ्री, और इसी में यदि हम बोरेट एस्टर मिला दें, यानी ये कुछ एडिटिव्स होते हैं जो इसकी प्रॉपर्टी को एनहेंस करते हैं, यानी इसके गुणों को और बढ़ा देते हैं, यानी और अच्छा कर देते हैं किसको? डॉट थ्री को। कौन? क्या मिलाने पर? बोरेट एस्टर मिलाने पर इनकी प्रॉपर्टीज और अच्छी हो जाती हैं। मोटे तौर पर बात करें तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पर हमें ध्यान दिया जाना चाहिए हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड की, पर वो होती है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बोरेट एस्टर जो होते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं। इसलिए जब ग्लाइकोल ईथर यानी डॉट थ्री में, डॉट थ्री नाम हो गया अब ग्लाइकोल ईथर बेस्ड। ग्लाइकोल क्या होते हैं? एक्चुअली ये होते हैं इथाइलिन एल्कोहल्स, ठीक है, यानी ये एल्कोहल बेस्ड होते हैं। कौन? जो नेचुरल ब्रेक फ्लूइड होते हैं वो ग्लाइकोल ईथर, कॉल का मतलब यहां पर क्या हुआ? एल्कोहल, ठीक है। इसमें यदि बोरेट एस्टर और मिला दिया जाए तो ये डॉट फोर हो जाते हैं। जो सिंथेटिक होते हैं वो सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, इन्हें हम डॉट फाइव या 5.1 भी बोलते हैं, यानी इसका जो इंप्रूव्ड, इसका जो सुधरा हुआ रूप है वो है 5.1। अब इनकी हम खास खास बातें समझते हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, जो हमारे डोमेस्टिक कार्स में यूज किया जाता है, वो है डॉट थ्री, ठीक है। इसी में यदि हम बोरेट एस्टर मिला दें, एक एडिटिव होता है, तो वो डॉट फोर बन जाता है। ये क्या करता है? ये डॉट थ्री के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। यहां पर जैसे मैंने लिखा है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किनका? नेचुरल ब्रेक फ्लूइड्स का। नेचुरल ब्रेक फ्लूइड्स कौन से? जो ग्लाइकोल यानी एल्कोहल बेस्ड होते हैं, ठीक है। उनके दो तरह के बॉइलिंग पॉइंट हम ध्यान में रखते हैं, यानी उनके दो तरह के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, एक ड्राई और एक वेट। ड्राई और वेट से क्या मतलब है? जब इस ब्रेक फ्लूइड में, एल्कोहल बेस्ड ब्रेक फ्लूइड में जरा भी मॉइस्चर यानी आर्द्रता यानी पानी इसने अभी अवशोषित नहीं किया है, यानी बिल्कुल मॉइस्चर फ्री है, उस समय जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कहलाता है ड्राई। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, ये वाटर एब्जॉर्बिंग होते हैं, पानी को अवशोषित करते रहते हैं, तो एक लंबे अंतराल में ये पानी को काफी मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि जब ये अपने आयतन यानी वॉल्यूम का 3.7% तक पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी अब क्या है वास्तव में, ये है पानी और ब्रेक ऑयल का मिक्सचर। तो उसमें मिक्सचर में कितना मॉइस्चर है, यानी उसने अपने में जो एब्जॉर्ब किया है वो 3.7% बाई वॉल्यूम।
आयतन के अनुसार 3.7% उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इस मिश्रण का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसे हम बोलते हैं वेट बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है। तो ये जो एस्टर हम इसमें मिलाते हैं किसमें, डॉट थ्री में, तो यह इनके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अभी हम आगे इनकी ब्रेक फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। डॉट थ्री जो होता है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है, यानी इसके अंदर मॉइस्चर रहता है, तो मॉइस्चर देखिए हम जानते हैं जहां भी पानी या भाप होती है वो धातु को करोड करती है, यानी उसमें जंग लगाती है, यानी उसको एक तरह से अगर कहें तो उससे केमिकल रिएक्शन करती है, रासायनिक क्रिया करके उसको खराब करती है। तो चूंकि डॉट थ्री जो होता है ब्रेक ऑयल या ब्रेक फ्लूइड ये पानी को ऑब्जॉर्व करता है, तो इसकी एक ये कमी हो गई कि इसमें जो मॉइस्चर होगा या इसमें जो नमी होगी वो ब्रेक सिस्टम में जो भी मेटेलिक पार्ट्स हैं उनको ये करोड करेगा, यानी उनको ये केमिकल रिएक्शन करके खराब करेगा, क्लियर है चीज। मैंने जैसे यहां पर बताया डॉट फोर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि इसमें जो एस्टर्स मिलाए जाते हैं वो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देते हैं। फिर इसके बाद में आता है कि इसकी और क्या कमी रही डॉट थ्री की, देखिए मैंने आपको बताया वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है जब हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक सामान्य तौर पर गाड़ी जब स्पीड में होती है तभी ब्रेक लगते हैं, तो ब्रेक लगाने से बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है, और जब ये हीट पैदा होती है तो व्हील सिलेंडर में जो ऑयल है या ब्रेक फ्लूड है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, यहां तक कि एक्सट्रीम केसेज में 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाता है। जैसे कि जो फॉर्मूला वन रेसिंग कार्स होती है जो बहुत हाई स्पीड पर चलती है, या बहुत हैवी व्हीकल्स होते हैं जिनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उनको रोकने के लिए हमें बहुत एनर्जी लगानी होती है, यानी बहुत हीट पैदा होती है, वहां पर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा रेज होता है। तो वो टेम्परेचर क्या करता है, जो इस ब्रेक फ्लूइड ने पानी को एब्जॉर्ब किया उसकी भाप बना देता है, यानी उसमें वेपर पैदा कर देता है, और वो वेपर इनडायरेक्टली क्या हो गई, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था वेपर और एयर दोनों किसका रूप हो गई, गैस होगी। अब वो गैस क्या करेगी, गैस के जो बुलबुले होंगे वो पहले कंप्रेस होंगे, यानी वेपर लॉकिंग हो सकती है, इसे हम क्या बोलते हैं वेपर लॉकिंग, जैसा मैंने यहां पर समझाया था। देखिए यहां पर मैंने ये समझाया कि यहां पर मान लेते हैं इसमें पूरे में वेपर भर गई यहां पर, ठीक है। इनडायरेक्टली अगर अपन बात करें यहां से यहां तक पूरी वेपर भर गई, तो इधर जो फ्लूइड है वो दबेगा तो वो इस वेपर को कंप्रेस करेगा, यानी यहां से फोर्स आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी हालत में चाहे हम हवा बोले, चाहे कोई और गैस बोले, चाहे भाप बोले, सभी वो गैस का ही रूप है, और गैस क्या होती है बहुत हाईली कंप्रेसिबल होती है, यानी उनको बहुत आसानी से दबाया जा सकता है। तो जो बल हमने लगाया पेडल पर वो सारा फोर्स इनको कंप्रेस करने यानी इनको दबाने के काम आ गया, किसको, चाहे वो वेपर हो चाहे गैस हो, ठीक है। इसलिए ये यहां पर इसका एक ड्रॉबैक हो गया, एक कमी हो गई कि जो पानी को ये एब्जॉर्ब करता है, तो जब ब्रेक लगाते हैं हाई हीट पैदा होती है, उससे हाई टेम्परेचर होता है, और ये जो पानी इसके अंदर जो इसने एब्जॉर्ब किया वो वेपर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये डैमेज और डल द पेंट, जो डॉट थ्री और डॉट फोर टाइप के जो हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड होते हैं वो यानी एल्कोहल बेस्ड होते हैं, ये जो पेंट होता है जो कलर होता है गाड़ी का उस पर यदि ये गिर जाए तो उसको बहुत जल्दी ये खराब कर देते हैं, यानी इनको जब यूज करते हैं तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि ये किसी भी अवस्था में गाड़ी की बॉडी के ऊपर या व्हीकल के ऊपर कहीं भी नहीं गिरे, नहीं तो ये उसके पेंट को खराब कर देते हैं। यहां पर जैसा मैंने बताया कि ये जो डॉट फोर इसी का सुधरा हुआ रूप है, ठीक है। डॉट फोर क्या है, इसी का इंप्रूव्ड वर्जन है, डॉट थ्री का एस्टर मिलाते हैं बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाता है, लेकिन एस्टर मिलाने से ये पानी को कम एब्जॉर्ब करता है डॉट थ्री की तुलना में, क्लियर है, और ये भी पेंट को डैमेज करता है। अब हम आते हैं डॉट फाइव पर, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया डॉट फाइव सिलिकॉन बेस्ड होता है, सिलिकॉन बेस्ड होता है ये डॉट फाइव, ये पानी को मिक्स नहीं करता है, यानी ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। यानी अगर इसमें पानी मिलाया जाएगा तो पानी बिल्कुल अलग रहेगा इससे, यहां पर पानी इसके साथ मिक्स हो जाता है, क्लियर है चीज। तो दूसरा क्या है कि डॉट फाइव जो है ये किसी दूसरे ब्रेक फ्लूइड के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता, ये आपस में मिक्स किए जा सकते हैं, लेकिन सजेस्ट ये किया जाता है कि इन्हें भी किन्हीं भी दो प्रकार के अलग अलग दो प्रकार के ब्रेक फ्लूइड्स को आपस में
मिक्स नहीं किया जावे। ये तो किसी भी अवस्था में यानी सिलिकॉन बेस जो है डॉट थ्री या डॉट फोर के साथ किसी भी अवस्था में मिक्स नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के केमिकल गुणधर्म बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जैसा मैंने बताया डॉट थ्री डॉट फोर पेंट को खराब करते हैं, ये पेंट को खराब नहीं करता है, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन हैज मोर स्टेबल फ्लेक्सिबिलिटी ओवर वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो है सिलिकॉन बेस जो होता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, जैसे टेम्परेचर मैंने जैसे आपको बताया कि टेम्परेचर जो होता है वो बहुत वाइडली वेरी होता है। जब ब्रेक लगाते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब गाड़ी सर्दियों में खड़ी रहती है तो टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो वाइड रेंज जो वेरिएशन जो टेम्परेचर का होता है उसमें भी सिलिकॉन बेस्ड जो हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूड होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, यानी उनके गुणधर्म ज्यादा बदलते नहीं है। ये यूज कहां किए जाते हैं? ये यूज किए जाते हैं बेसिकली वहां पर यूज किए जाते हैं जहां मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मिलिट्री व्हीकल्स यदि हम देखें तो बहुत ज्यादा चलते नहीं है, जब ऑपरेशंस होते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस उनमें वो यूज होते हैं, यानी वो लगातार खड़े रहते हैं। जब वो लगातार खड़े रहते हैं तो उस अवस्था में भी जैसा मैंने ऊपर बताया कि इसकी प्रॉपर्टी स्टेबल रहती है, वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वाइडर रेंज ऑफ टाइम लैप्स, यानी जितने ज्यादा टाइम तक खड़े रहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर ये इनकी बॉइलिंग प्रॉपर्टीज होती है, इनका बॉइलिंग टेम्परेचर और करोजन प्रॉपर्टीज अच्छी होती है, यानी ये मेटल को करोड़ यानी उनसे केमिकल रिएक्शन करके उनको खराब नहीं करते हैं। अब आते हैं इनकी कमियां क्या है। इनकी कमियां सबसे बड़ी कमी तो क्या रही, इसकी सबसे बड़ी कमी ये रही कि एयर सोल्युबिलिटी कम होती है, यानी ये हवा को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए यदि हवा इसके अंदर आएगी तो हवा के बुलबुले रह जाएंगे, साथ ही इसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा तो पानी अलग रहेगा बिल्कुल इससे। लेकिन चूंकि पानी अंदर आ चुका है, अब जब मान लेते हैं कि मौसम ठंडा है, क्लियर है, मौसम ठंडा है तो पानी जो इससे अलग है, ठीक है, यानी एक ऐसा मिक्सर हो गया हेटरोजीनियस मिक्सर हो गया, इसमें पानी जो है वो जम जाएगा। पानी जम जाएगा तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक ऑयल है उसकी फ्लोएबिलिटी यानी उसके बहने में ये जो जमा हुआ पानी है ये बाधा पैदा करेगा, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के ब्रेक फ्लूड्स कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या क्या खास बातें हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रेक फ्लूड, ब्रेक फ्लूड में क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये गुण उसमें होना जरूरी है ताकि ब्रेक फ्लूड जो है बहुत अच्छे से एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके, बहुत अच्छे से अपना काम संपादित कर सके। तो इसमें सबसे पहला है विस्कोसिटी यानी श्यानता, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ ब्रेक फ्लूड्स डिसाइड द फ्लोएबिलिटी ऑफ द फ्लूड, यानी जो ब्रेक फ्लूड है वो कितने अच्छे से बह सकता है ये किस बात पर निर्भर करेगा, यानी उसके बहने का जो गुण है फ्लोएबिलिटी है वो विस्कोसिटी पर निर्भर करेगी यानी श्यानता पर। यदि श्यानता बहुत ज्यादा है तो वह बहुत धीरे धीरे फ्लो होगा, यदि श्यानता बहुत कम है तो बहुत जल्दी जल्दी फ्लो होगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी ब्रेक फ्लूड की, ये जो है टेम्परेचर के साथ बदलनी नहीं चाहिए, यानी टेम्परेचर यानी ब्रेक फ्लूड का टेम्परेचर चेंज होता है तो भी ये कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, टेम्परेचर इस तरह से वेरी करता है कि जैसे मान लेते हैं कोई ट्रॉपिकल एरिया है जहां पर कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वहां पर जो ब्रेक फ्लूड है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी होता है, क्लियर है। तो विस्कोसिटी भी बहुत ज्यादा वेरी होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी लगभग कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, क्लियर है चीज। अब एक और क्या होता है कि आजकल के जो व्हीकल्स आते हैं उनमें ब्रेकिंग सिस्टम में बहुत मॉडर्न डिवाइसेस लगी होती है, यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ESP, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल जो डिवाइस होती है, स्टेबिलिटी डिवाइस होती है, उनमें क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे से वाल्व लगे हुए होते हैं, ठीक है, माइक्रो वाल्व्स होते हैं जो इस फ्लूड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और वो इस तरह के होते हैं कि तुरंत एक्टिवेट भी होनी चाहिए, यानी जैसे ही उनको
सिग्नल मिला वो तुरंत खुलने चाहिए और बंद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत लाइफ सेविंग डिवाइसेज इसमें डिवाइसेज लगी हुई है, एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, या एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम होता है। तो इनमें अलग अलग तरह के वाल्व होते हैं जो कंप्यूटर कंट्रोल्ड जो सिस्टम होता है उससे ये इनका ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल होता है। यदि विस्कोसिटी बहुत ज्यादा टेम्परेचर के साथ वेरी करती है तो इन वाल्व्स को प्रभावित करती है, इन वाल्व्स में होने वाले फ्लो को प्रभावित करती है, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि डॉट थ्री डॉट फोर टाइप के जो ब्रेक फ्लूड होते हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो जब मॉइस्चर को उसने एब्जॉर्ब किया यानी उसके अंदर पानी है, और जब हम उसका ब्रेक फ्लूड का टेम्परेचर कम होता है यानी सर्दियों में या हिली एरिया में, तो वो बर्फ पानी जो मॉइस्चर उसके अंदर वो जम जाता है। जमने का मतलब जो ब्रेक फ्लूड है वो गाढ़ा हो गया और उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी आती है बॉइलिंग पॉइंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ब्रेक फ्लूड की। तो देखिए जैसा मैंने बताया था कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो व्हील सिलेंडर में जो ब्रेक फ्लूड है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये भी स्पेशली किन केसेज में, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं या रेसिंग कार्स होती हैं, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ब्रेक फ्लूड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जो है वेपर बन जाएगा। वेपर बन जाएगा तो जैसा मैंने आपको पहले समझा चुका हूं कि ब्रेक सिस्टम में, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में यदि कहीं भी गैस या वेपर आ गई तो पूरी संभावना होती है कि ब्रेक सिस्टम फेल हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगी। तो हम ये चाहेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ब्रेक फ्लूड का वो ज्यादा से ज्यादा हो। सामान्य तौर पर ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और दूसरा क्या होता है कि जब हीट पैदा होती है तो वो जो ब्रेक फ्लूड है उसमें जो वाटर मॉइस्चर है उसको भी इवेपोरेट करती है। जो सिलिकॉन बेस DOT5 जो फ्लूड्स होते हैं सफर फेज सेपरेशन एट हाई टेम्परेचर, यानी क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पर, मैंने आपको जैसे बताया कि जो डॉट फाइव जो फ्लूड्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो पानी उनमें बिल्कुल अलग रहता है, यानी पानी अंदर आ गया है वेपर जो एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर अंदर आ गया वो उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता, उसमें घुल नहीं पाता, अलग रहता है, यानी अलग अलग फेज में रहते हैं। तो फेज सेपरेशन का क्या मतलब है, हाई टेम्परेचर पर टेम्परेचर इतना भी हाई नहीं है कि जो ब्रेक फ्लूड है वो वेपराइज है, लेकिन जो वाटर है वो वेपर बन जाता है। इसीलिए या टेम्परेचर कम होगा तो वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है, यानी दो तरह की फेज हो जाएंगी, एक तो लिक्विड जो हमारा ब्रेक फ्लूड है वो लिक्विड में रहेगा और जो वाटर है मॉइस्चर है वो या तो कम टेम्परेचर का फ्रीज हो जाएगा सॉलिड होने की कोशिश करेगा या हाई टेम्परेचर पर वो स्टीम या गैस बनने की कोशिश करेगा। तो ये भी एक समस्या पैदा करता है ब्रेक सिस्टम में, ठीक है। इसी कारण से हम ये कोशिश करते हैं कि सिंगल फेज जो ब्रेक फ्लूड है यानी हाइग्रोस्कोपिक डॉट थ्री या फोर को हम काफी ज्यादा यूज में लेते हैं, क्योंकि उसमें फेज सेपरेशन नहीं होता है, ठीक है। फिर बॉइलिंग पॉइंट शुड बी हाई, ज्यादा होना चाहिए, जैसे मैंने बताया 250 से 300 के बीच में होता है, और एंड शुड नॉट डिक्रीज विद द कंटिन्यूड यूज। देखिए होता क्या है, केमिकल्स की ये कई बार कहीं कह लीजिए कि डिमेरिट होती है या उसकी कमी होती है कि हम यदि किसी केमिकल को लगातार यूज करते हैं या किसी लिक्विड को फ्लूड को लगातार यूज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो वही यहां पर कहना चाह रहे हैं कि लगातार यूज के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रेक फ्लूड का बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाए, क्लियर है चीज। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है करोजन। करोजन से क्या मतलब है, करोजन से मतलब है कि जो ब्रेक फ्लूड है वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए। केमिकली इनर्ट का मतलब चूंकि जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स के जो पार्ट्स हैं वो मेटेलिक पार्ट्स भी होते हैं, रबर पार्ट्स भी होते हैं, तो उनसे ये केमिकल रिएक्शन करके उनको करोड़ यानी उन पर जंग नहीं लगे, ठीक है। वरना जैसे जंग लग जाएगी उसमें पिस्टन चलेगा या रबर सील्स चलेंगी तो वो सब घिसकर खराब हो जाएंगी। इससे इसलिए ब्रेक फ्लूड ऐसा होना चाहिए कि वो एंटी करोजिव हो। इसके लिए हम उसमें कई तरह के एडिटिव्स भी मिलाए जाते हैं,
ठीक है। इसके बाद आता है कंप्रेसिबिलिटी। जैसा मैं आपको समझा चुका हूं कि हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स में ब्रेक फ्लूइड क्यों यूज करते हैं। ब्रेक फ्लूइड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत आसानी से दब नहीं पाते, यानी इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, इसीलिए हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स में ब्रेक फ्लूइड्स को यूज करते हैं। यानी हम ये चाहेंगे कि हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड जो है उसकी कंप्रेसिबिलिटी यानी उसकी दबने की जो योग्यता है, दबने का जो गुण है, यानी उसका आयतन, प्रेशर पड़े तो आयतन कम हो जाए, ये जो प्रॉपर्टी है ये कम होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम किस विश्वास पर कार्य करता है कि जो उसके अंदर फ्लूइड यूज किया जा रहा है वो लगभग इनकंप्रेसिबल है, यानी असंपीडीय, यानी उसको हम दबा नहीं सकते, उसका आयतन में परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है। तो इससे ये एश्योर होता है कि जो ब्रेक पेडल है वो हमें हर बार ऐसी फीलिंग देगा, यदि वो बहुत परफेक्ट इनकंप्रेसिबल है तो हमें हर बार ऐसी फीलिंग देगा कि हमें लगभग एक सही ब्रेक फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर चीज। इसलिए इनकंप्रेसिबल कंप्रेसिबिलिटी इसकी कम होनी चाहिए। अब आता है ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर्टी। जैसा हम देख चुके हैं कि जो ब्रेक सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, अंदर वाल्व होते हैं, ब्रेक पिस्टन मास्टर सिलेंडर होता है उसमें पिस्टन होता है, व्हील सिलेंडर होता है उसमें पिस्टन होता है, स्प्रिंग्स होती हैं, यानी सब मूविंग पार्ट्स होते हैं, उनमें ब्रेक जो फ्लूइड है उसमें अगर ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर्टी भी होगी तो उनको प्रॉपरली ल्यूब्रिकेट कर पाएगा, साथ ही फ्रिक्शन भी कम होगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है इफेक्ट ऑन रबर। जैसा हमने देखा है घरों में अभी हम देखते हैं कि रबर जो होते हैं यदि उसको हम पानी में भी रखें या किसी केमिकल में रखें तो लेटर स्टेज पर यानी समय के साथ या तो फूल जाता है रबर का पार्ट या सिकुड़ जाता है, क्लियर है। तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रबर पर प्रभाव डाले, यानी लंबे समय में रबर को या तो सिकुड़ा दे यानी सिकुड़न पैदा हो जाए या वो फूल जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है उसमें विभिन्न प्रकार की सील्स और वाल्व जो होते हैं वो प्लास्टिक के या रबर के बने हुए होते हैं, ठीक है। और चूंकि वो किसमें काम कर रहे हैं, किसमें डूबे हुए हैं सभी पार्ट्स, हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड में। और यदि वो सील, जैसे मान लेते हैं ये मास्टर सिलेंडर है, ये मास्टर सिलेंडर है और ये पिस्टन है, इस पिस्टन पर यहां पर सील लगी हुई है, रबर सील, ठीक है। तो ये जो रबर सील है इस ब्रेक फ्लूइड के कारण यदि सिकुड़ गई, श्रिंक हो गई, तो यहां पर गैप हो जाएगा और गैप होने के कारण हवा अंदर आ सकती है, ठीक है। तो श्रिंक होने के कारण गैप रह जाएगा, लॉस ऑफ प्रेशर होगा, लीकेज होगा और हवा अंदर आ सकती है। और इसके उल्टा यदि इसके विपरीत हम सोचें कि ये फूल गई, यानी जो सील है ये फूल गई, तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में ये लगी हुई है तो ये फूलेगी, स्वेल होगी, तो क्या होगा कि ये पिस्टन जो है सिलेंडर में जाम हो जाएगा और हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी ड्राइवर को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे ब्रेक लगाने के लिए। इसलिए हाइड्रोलिक जो ब्रेक फ्लूइड है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रबर को भी प्रभावित करे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग this video.